और क्या ऐसी इस उनके मन में क्या बात है, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो कोई त्रिकालदर्शी तो हूँ नहीं, मैं भी आम इंसान हूँ। उनको ऐसा मैं समझता हूँ कि एक एक वार्ड का अपने मतलब मॉनिटरिंग में देखना चाहिए था। तलचटवा का काम कर रहे हैं, दीमक बन चुके हैं, इन लोगों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। वो पार्टी में तो जरूर है, मेरा वहाँ सक्रिय बूथ कमेटी किसी भी पार्टी से बेहतर है। आंख में आंख मिला करके यह कह नहीं सकते हैं कि आपसे ज्यादा मैं किया हूँ। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर लाइव। महज कुछ ही दिन बाकी है विधानसभा चुनाव होने में और नेता लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे तमाम वादे भी कर रहे हैं। इसी बीच हम अभी पहुंचे हैं गोरियाकोड़ी विधानसभा क्षेत्र से। मनोज कुमार सिंह जो है दावेदारी कर रहे हैं भाजपा पार्टी से और उन्होंने लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और डोर टू डोर जनता के बीच भी जा रहे हैं। बात करेंगे कि आखिरकार जनता के बीच ये जा रहे हैं तो क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं और क्या आगे की रणनीतियाँ इनकी क्या होगी। सर, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ फॉर लाइव में स्वागत है। जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का मेरा सलाम प्रणाम आदाब। सर, पहला सवाल मेरा है कि आप बीजेपी से गोरियाकोड़ी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में कि बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ता होगा आपको उस क्षेत्र में, चूंकि पहले से देवेश कांत भी उस क्षेत्र से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को किस तरह से तैयारी करके जा रहे हैं विधानसभा में? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है कि टिकट किसको देगी। देवेश जी भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक घराने से आते हैं, उनको विरासत में राजनीति मिली हुई है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार उनको भी है। वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इन स्थिति और परिस्थितियों में पार्टी को यह उचित निर्णय लेना होगा कि किस कैंडिडेट को टिकट दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम भी देख रहे हैं, आप लोग जैसा कि क्षेत्र का भ्रमण करके जो न्यूज़ दिखाते हैं उसमें लोकप्रियता तो आप लोगों को पता ही चल गई होगी। तो मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कुछ लेना देना है नहीं, मैं तो संगठन का लोग हूँ और जनता के दिलों में रहता हूँ। हवा हवाई मेरा कोई ना तो दौरा होता है और ना हवा हवाई मैं कोई राजनीति करता हूँ। ये बहुत गंभीर विषय है गोरियाकोठी विधानसभा का कि आज़ादी के बाद से जो उचित विकास होने चाहिए थे, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, वह विकास ईमानदारी पूर्वक किसी ने पूर्व के वर्तमान से लेकर पूर्व के जितने भी वहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं किए हैं। और सरकारों तक, कई सरकारें आई गई, सरकारों तक सही जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया, सही आंकड़ा विकास का नहीं दिया गया, जिससे कि गोरियाकोठी क्षेत्र विकास से काफ़ी हद तक वंचित है। मेरी प्रयास है कि चुनावी सभा तो हो ही रही है, दौरा हो ही रहा है, उसके माध्यम से सरकार तक भी इन सब समस्याओं को पहुंचाऊं और पहुंच भी रहा है। सरकार का निगाह क्षेत्र पर है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निगाह है, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का निगाह है, तमाम जो बिहार की विकास की बात करते हैं सोचते हैं उन सबों का निगाह है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जैसे कि हम लोग लगे हुए हैं विकास का मॉडल वहाँ दिखने को मिलेगा। अगर जनता वहाँ मुझे चुनती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है, अपना सेवक बनाती है, मुझे 5 साल का मौका मिलता है, तो विकास का मॉडल क्या होता है यह पूरा देश देखेगा, न कि गोरियाकोठी क्षेत्र की जनता देखेगी, पूरा देश देखेगा। और निश्चित तौर पर 72 साल बनाम 5 साल का जो मेरा नारा है वो नारा चरितार्थ होता हुआ दिखाई देगा विकास के मॉडल के रूप में। सर, सवाल खड़ा होता है कि अगर मनोज कुमार सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या वो जनता के बीच निर्दलीय भी चुनाव लड़ने जाएंगे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, चुनाव लड़ने का निर्णय जो है वो जनता वहाँ की कर चुकी है। जनता के कहने ही पर तो मैं क्षेत्र में इतना दिनों से लगा हुआ हूँ और इस बार बहुत मजबूती से गोरियाकोठी की सभी सम्मानित जनता, सभी जाति धर्म के लोग
मेरे साथ मतलब हृदय से लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कोई बड़गलाने वाली बात है। और मैं यह भी आपको बता कह सकता हूं कि अगर कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मैं पार्टी का सिंबल ले लूं, अगर मुझे नहीं मिला तो ऐसा है नहीं कि मुझे नहीं मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, मैं उस दौर में हूं। लेकिन कहीं राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। अगर किसी कारणवश कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि इस बार अंध भक्तों की तरह वहाँ की जनता किसी के भरमाने फुसलाने पर कोई भी छाप पर बटन दबा दे, ये संभव नहीं है। ये आपको काउंटिंग के दिन पता चल जाएगा। वहाँ की जनता टिकट और सर्टिफिकेट और अपना आशीर्वाद मुझे दे चुकी है, यह कंसेप्ट क्लियर है। और बाकी जो 15 तारीख, यही जो आने वाला 15 तारीख है, 15 तारीख को मेरा एक रैली है और सभा भी है मदारपुर के स्कूल के ग्राउंड में, वहाँ देखने को मिल जाएगा सारे लोगों को, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को। अब ये पार्टी को तय करना है कि वो सीट जितना चाहती है वैसे कैंडिडेट को टिकट देकर जिससे कि वो सीट उसके झोली में जाए जीत करके, कि वैसे कैंडिडेट को देगी जिसको जनता नहीं चाहती है, सिरे से खारिज कर चुकी है। ये सत्य है, ये किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और हवा हवाई आंकड़ों पर और हवा हवाई घोषणाओं पर कोई वोट देने नहीं जा रहा है। कोरोना काल में जितने लोग त्रस्त हुए, बाढ़ से ग्रसित होकर जितने लोग अभी परेशान हैं, बेहाल हैं, रोजगार से वंचित जो लोग हैं, पलायन करके जो बाहर से आए हैं, इतना आक्रोश है जनता में कि मुझे लगता है कि जवाब देना लोगों को भारी पड़ जाएगा। और आप देखेंगे, आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि जब कैंपेनिंग में जब सत्तारूढ़ दल के या विपक्ष के जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं इस प्रदेश में, वो लोग जब जनता के बीच जाएंगे तो उन लोगों को कितने आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और वो लोग अगर यह गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि मैं कमल निशान दिखा दूंगा, चाहे मैं लालटेन दिखा दूंगा, चाहे मैं कुछ भी दिखा दूंगा, तो भरमावे में आ जाएगी जनता और नारों के पीछे लग कर अंधभक्त की तरह ईवीएम का बटन दबा दिए देगी। ये गोरिया कोठी में तो संभव इस बार नहीं लगता है, इसलिए कि जनता अपना निर्णय ले चुकी है, अपने बीच के लोगों को मुझे अपना आशीर्वाद दे चुकी है और बम्पर वोट से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। सर, एक सवाल आपने किया कि काफ़ी त्राहिमाम है जनता, जो बेरोजगारी का भी जो सिलसिला चल रहा है, जो पलायन होकर अपने घर आ रहे हैं, आए हुए हैं, वो पूरी तरह से अपने घर पे बैठे हैं, यानी ये कहा जाए कि वो पूरी तरह से बेरोजगारी के कगार पर हैं। तो सरकार में आप भी हैं, आपकी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो एक तरफ से तो आप अपने इस एनडीए सरकार पर ही तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, एनडीए की सरकार के जो आला नेता हैं, मान लीजिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ध्यान बिहार के जनता पर, ऐसे तो ध्यान तो पूरे देश में है, लेकिन बिहार पर भी उनका ध्यान हमेशा से रहा है। बहुत सारी योजनाओं का संचालन उनके माध्यम से हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भी हुआ है पिछले 15 साल के कार्यकाल में, उप मुख्यमंत्री जी का भी हुआ है सुशील मोदी जी का। लेकिन इतना बड़ा राज्य है, इतना सारा काम है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को या उप मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को एकदम गांव के कोने कोने में जाने का मौका मिले और एक एक चीज़ देखें। वो काम यहाँ के प्रतिनिधियों का है और पार्टी से जुड़े नेताओं का है, जो कि वहाँ तक पहुँचाएँ और उस क्षेत्र में अगर राजनीति कर रहे हैं तो वहाँ की जनता को दुख दर्द को सरकार तक और अपने नेताओं तक पहुँचाएँ और वहाँ जो उचित विकास होना चाहिए, उचित लाभ जनता को मिलना चाहिए, ये करें। तो मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं तो सरकार को भी आईना दिखा रहा हूँ, जो ये लोग नहीं कर गए मैं अपने पार्टी को भी बता रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि देखिए यहाँ क्या स्थिति है। तो उस पर पार्टी भी ध्यान दे रही है और सरकार का भी ध्यान वहाँ पहुँच रहा है कि हाँ यहाँ हुआ है, कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियों के वजह से हुआ है या भ्रष्टाचार के कारण, जो कुछ चंद लोग जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं इस सिस्टम में, पटना से लेकर के ब्लॉक स्तर तक, मतलब पंचायत तक, वार्ड तक, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें व्यापक है। इसीलिए सरकार द्वारा संचालित
बहुत सारी योजनाओं का पूर्ण रूपेण लाभ प्रत्येक जनता तक नहीं पहुंचती है जिनको उनकी हकमारी होती है। अब दलित बस्ती में, मैं कल एक दलित बस्ती में शाम को गया था, कौन सा गांव था वो, उजैना। मैं आपको बता दूं कि वहां सड़क नाम की चीज़ नहीं है, ईटाकरण भी नहीं हुआ है, तो कौन सी विकास की मैं बात कर रहा हूँ। नल जल योजना चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना के तहत, इतना बड़ा मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है जनजीवन हरियाली के तरह, फिर भी प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक जो भ्रष्टाचार लिप्त है उसका शिकार भी वो हो गया है। वहाँ न सड़क है, न पानी है, न उपयुक्त, इतना बिजली हर जगह मिल रहा है, फिर भी वो बिजली से भी वंचित हो एरिया है। सड़क तो है ही नहीं, मतलब आप अगर एक गाड़ी लेके गलती से घुस गए तो मतलब उधर से अगर कोई एक मोटरसाइकिल भी आ रहा है, बाइक आ रहा है, तो आपको क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, कब गड्ढे में चले जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। बाढ़ से वैसे तो स्थिति बदहाल है सारी सड़कों का। उसी तरह से आप चले जाइए, आपको इधर पूर्वी क्षेत्र में आ जाइए, जगदीशपुर, जामो जगदीशपुर में एक गांव है, जामो जगदीशपुर गांव ही है, उधर का कुछ वार्ड है, कुछ उस एरिया का मैंने बड़ा समुदाय रहता है, 4,000-5,000 की आबादी है, वहाँ की भी बदहाल स्थिति है। न ज़रूरतमंदों को अभी तक इंदिरा आवास का लाभ मिला है, न प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, किसी का राशन कार्ड इतना व्यापक पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, आदेश पर पूरे प्रदेश में मतलब राशन कार्ड से लोगों का नाम जोड़ने का कार्यक्रम चलाया गया, उसमें भी त्रुटि कर दी गई। साहब ये क्या मजाक है, वो जो योजनाएं लागू हो रही है सरकार की तरफ से वो जन जन तक नहीं पहुंच रही है। आखिर कमी किसकी है, क्षेत्र से अगर बात किया जाए उस विधानसभा क्षेत्र से, तो कौन उसका जिम्मेवार कौन है सर? देखिए, जिसको जनता ने प्रतिनिधि चुना है उनकी कमी तो मैं कहूँगा, लेकिन मैं उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे गार्जियन स्वरूप है, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे, बहुत ही प्रकाश संबंध है, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, और बहुत पुराने राजनीतिक हैं, अपने ज़माने में बहुत जुझारू रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब क्या ऐसी उनके मन में क्या बात है मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो कोई त्रिकालदर्शी तो हूँ नहीं, मैं भी आम इंसान हूँ। उनको ऐसा मैं समझता हूँ कि एक एक वार्ड का अपने मतलब मॉनिटरिंग में देखना चाहिए था। हो सकता है कि ये क्यों हुआ ये मैंने बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उनकी कमी तो कहीं ना कहीं झलक रही है। और पूर्व के भी जो विधायक रहे हैं वो लोग भी इस पर अपने मतलब मुस्तैदी से काम नहीं किए हैं, भेदभावपूर्ण काम किया गया है, जात पात को देख कर काम किया गया है, मैंने चौमुखी विकास जिसको चाहिए, जिसको कहना चाहिए, वो नहीं हुआ है। मतलब अपने लोगों तक, जो चंद लोग हैं उन लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है, और उसमें मतलब बंदर बांट का खेल हुआ है, और यहाँ जो लोग हैं सिस्टम में बने हुए उनकी कमियाँ तो सबसे ज़्यादा है कि वो लोग अपना ड्यूटी मुस्तैदी से नहीं कर रहे हैं, जनता की हकमारी कर रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये माना जाए सर, आप जिस तरह से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो गोरिया कोठी बिल्कुल विकासहीन है? देखिए, कुछ विकास तो हुए हैं हम लोगों की सरकार में, ऐसी बात नहीं है, वो तो और भी कुछ नहीं था। मैं जब वहाँ चुनाव लड़ने गया था तो उस समय कुछ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कुछ काम अच्छे हुए, शुरुआत हुई 2005 से 2010 के बीच में, तो इतना सारा प्रॉब्लम था, इतनी सारी कमियाँ वहाँ थी कि धीरे धीरे एक दिन का वो काम नहीं था, लेकिन कुछ शुरुआतें हुई। इसी बीच में विकास की गाड़ी तो आगे बढ़ी, लेकिन स्पीड ब्रेकर भ्रष्टाचारियों के रूप में आते रहा। तो मैं समझता हूँ, तलचटवा का काम कर रहे हैं, दीमक बन चुके हैं, इन लोगों पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। वो पार्टी में तो ज़रूर हैं, वैसे वैसे लोग बिहार प्रदेश में सत्ता के शीर्ष में भी हैं, चाहे वो बैकडोर से हों चाहे फ्रंट डोर से हों, वहाँ जाने के बाद उनकी मानसिकता लूट खसोट की बन गई और गुटबाजी की बन गई। वो लोग माननीय प्रधानमंत्री के का जो योजना है, चाहे जो उनकी मैंने क्या कहेंगे उसको, जो सपना है, उसको वो लोग अपने निहित स्वार्थ में और अपने चट्टों बट्टों को कमवाने के चक्कर में
भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए के सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी तो विपक्षी क्या करेंगे, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, वो क्या बोलेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा घातक तो ऐसे लोग हैं जो कि सरकार का हिस्सा और सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जो हमारे दल में और हमारे गठबंधन में, ये लोग तो मतलब दीमक का काम कर रहे हैं और इससे तो हमारे नेताओं की छवि खराब हो रही है। आने वाले दिनों में ये एक बड़ा विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं और जो भी विपक्ष कुछ अनाप शनाप बोल देती है तो कहीं कहीं का कमी ओरिजिनल देख करके, तो ये उन्हीं लोगों का तो करतूत है। तो मैं चाहूँगा कि पार्टी को भी ऐसे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनको इस तरह का दायित्व तो नहीं देना चाहिए, और पार्टी और जो कि जनता के हित की दायित्व तो हो और वो संभाल नहीं पाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो पार्टी में पार्टी के हित के लिए नहीं है, वो अपने हित और अपने चट्टों बट्टों के हित के लिए हैं और एकदम वार्ड से लेकर के बिहार प्रदेश तक बैठे हुए हैं, जिसका नतीजा होता है कि टिकटों में भी गड़बड़ी होती है। 2015 में क्या हम लोग नहीं जीत रहे थे? बिल्कुल जीत रहे थे, हमारी सरकार बन जाती। लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय जो हुआ वो प्रदेश और देश जानता है। लेकिन इस पर पार्टी क्यों नहीं सोच रही है, या सोच रही है तो क्या करेगी, तो आने वाले दिन में पता चलेगा। सर आप चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि आप भी इसी एनडीए सरकार में है और एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में किस तरह की आपको सामना करना पड़ रहा होगा लोगों से। देखिए, सामना तो करना ही पड़ेगा, जो सच्चाई है उसको आप बड़गला नहीं सकते हैं, जमीनी हकीकत। जब ग्राउंड जीरो पर आप जाके काम करेंगे तो आपको मतलब हर क्षेत्र में समस्याएं ही समस्याएं वो दिखने को मिलेगा और जनता का आक्रोश भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम तो वहां से कभी चुन के गए नहीं हैं, तो जनता इसी आधार पर मुझ पर विश्वास कर रही है, इस बार अपना आशीर्वाद दे रही है, हमसे उम्मीद है कि आपको इस बार, मैं चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि आपको हम लोग अपना प्रतिनिधि बनाएं। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना कर्तव्य जो मेरे जनता के प्रति होगा या है वो पूर्ण निष्ठा से काम करूंगा। अब रही बात कि मुझे तो बहुत जो सामना करना पड़ रहा है वो करना ही पड़ रहा है। जो चुनाव में आने वाले जो लोग हैं बड़े नेता, वो ज़रा सावधान हो जाएं, उनको क्या क्या सामना करना पड़ेगा, शायद मैं समझता हूँ कि उनको जवाब नहीं होगा, वो बरगला के भाग जाएंगे और उसका दुर्गामी परिणाम में ये होगा कि जो लोग एनडीए के समर्थन में भी रहना चाहता है वो लोग भी दूर हो जाएंगे। इसलिए वो लोग सोच समझ करके कोई बातों को जनता के बीच में रखेंगे और अपना टिकट टुकट का भी जो वितरण बिहार प्रदेश में करेंगे वो भी सोच समझ के करेंगे। ठीक है, अगर मनोज कुमार सिंह को गोरियाकोटी विधानसभा की जनता चुनाव में जीत हासिल करा देती है तो क्या मनोज कुमार सिंह फिर एनडीए में ही जाएंगे? ये तो जनता तय करेगी, एनडीए का तो मैं हूँ ही, मैं जहाँ रहता हूँ बहुत निष्ठा से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, बेबाक बातों को रखता हूँ, सच्चाई को रखता हूँ, चाहे पार्टी फॉर्म पर हो चाहे सरकार के समक्ष हो। कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को ज़्यादातर लोगों को बुरा लगेगा, चूँकि वो तो राजनीति को व्यवसाय बना दिए हैं और राजनीति में घुस करके एक भ्रष्टाचार का व्यवसाय जनरेट कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, तो उनको तो बुरा लगेगा ही, लेकिन उनके बुरा लगने से ढोरा मंगरू को क्या फर्क पड़ता है, जो ढोरा मंगरू लोग हैं उनों से हमको क्या फर्क पड़ता है, जिसके साथ लगभग 3 लाख वोटर जिसके समर्थन में हो उसको क्या फर्क पड़ता है। अगर मनोज कुमार सिंह गोरियाकोटी विधानसभा के विधायक बन जाते हैं तो उनका पहला प्राथमिकता क्या होगा उस विधानसभा क्षेत्र का? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि गोरियाकोटी के हर कोने में, हर तबके में बिना भेदभाव के विकास की चौमुखी किरण पहुंचाना और विकास की मुख्य धाराओं से जोड़ना, रोजगार का क्षेत्र के क्षेत्र में ही अधिकतर रोजगार का, छोटे छोटे उद्योगों का, छोटे छोटे व्यवसाय का रोजगार का सृजन करना, स्किल डेवलप करना, जो वहाँ की बेसिक समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं उसको दूर करना, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मेरा विधानसभा काफ़ी पिछड़ा हुआ है,
उसमें भी उसको उपयुक्त व्यवस्था करवाना, एडुकेशन के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में उसको माकूल बनाना, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप करना, अपग्रेड करना, जो जर्जर हालात हैं ये आपको विद्यालयों का उसको बढ़िया करना, एकल शिक्षा पद्धति लागू करने का प्रयास करना कि यहाँ से एक आगाज हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक साथ इस तरह की व्यवस्था हो, ये कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ये तमाम प्रत्याशी वादे करते हैं जनता से कि मैं चमुखा विकास करूंगा क्षेत्र का, क्या मनोज सिंह भी केवल जनता को वादा करेंगे या फिर उस पर खड़े उतरेंगे? देखिए, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ किसी सदन का सदस्य नहीं वहाँ से चुन के गया हूँ, लेकिन पिछले 10 साल में मैंने क्या किया है यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग से मतलब वहाँ से चुने गए थे या चुने गए हैं उनसे ज़्यादा काम किया हूँ, अपने स्तर से किया हूँ, अपने पैसे से किया हूँ। यह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए या चुने हुए हैं या चुन के हार गए हैं उन लोगों से ज़्यादा मैं काम किया हूँ, इसलिए वहाँ की जनता ये बात बताएगी। अभी तो कोरोना काल था, इसमें क्या किया 1300 परिवार को, ये कहने की बात नहीं है, ना ही मैं कभी इसका फोटो खिंचवाया, गोरिया कोठी के 1300 परिवार को अपने स्तर से महीनों राशन का व्यवस्था किया। बाढ़ आया, राशन ही नहीं, सैनिटाइजर से लेकर मास्क तक की व्यवस्था की, हर संभव कोरोना से बचाने का प्रयास किया गया। मेरे वहाँ 2000 से ज़्यादा एक्टिव कार्यकर्ता है, मेरी अपनी बूथ कमेटी है, लोग दूसरे, मैं पार्टी की क्या बात करूँ, मेरा जितना भी बूथ है मेरा वहाँ सक्रिय बूथ कमेटी किसी भी पार्टी से बेहतर है। जनता से क्या अपील करिएगा अपने गुड़िया कोटी विधानसभा क्षेत्र? जनता जनार्दन से मेरा यही अपील है, मैं बार बार यह कह रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद तो मुझे मिल चुका है और मैं आप लोगों से आग्रहपूर्ण यह विनती कर रहा हूं कि ईवीएम का बटन दबाने के पहले किसी भी भरमावे में नहीं जाएंगे, किसी भी छाप छुप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपना आशीर्वाद मनोज कुमार सिंह को देने की कृपा करेंगे, एक बार मुझ पर विश्वास करें, तभी जो 72 साल बनाम 5 साल का जो मेरा नारा है उस 72 साल बनाम 5 साल में 5 साल आप मुझे अपना सेवक चुनिए, फिर हमसे देखिए जो मैं वादा करूँगा, जो मेरा मैनिफेस्टो जारी होगा, जो मैं उसमें बताऊंगा, अगर मैं उसमें 50% प्लस में काम करके नहीं दिया, चूँकि काम बहुत ज़्यादा है, मैं 50% प्लस इसलिए कह गया कि जितनी समस्याएं वहाँ हैं वो 5 साल में पूरा तो नहीं होगी, संचालित हो जाएगी, लेकिन 5 साल में मतलब 50% से ज़्यादा काम पूरा हो जाएगा और कुछ पूरा होने के कगार पर रहेगा। तो मुझे 5 साल ही चाहिए, 5 साल आप मुझ पर विश्वास किए, 72 साल तो बहुतों पर विश्वास किए, जिसका आप लोग देख ही रहे हैं, उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं, तो अपने भाई भतीजा पर कीजिए। और एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने जनता से, अपने समर्थकों से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी कि 15 तारीख को मेरा रोड शो है मेरे क्षेत्र के अपराध मोड़ से जो शुरू होगा, उसका रोड मैप मैं जारी कर दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और मदारपुर में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, इसमें आप लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों, अपनी समस्याओं को खुद रखें और उसका निदान पर हम लोग चर्चा करें, और यह तय करेगा उस दिन आने वाले चुनाव का रणनीति, गोरिया कोठी क्षेत्र के चुनावी राजनीति और भविष्य को 15 तारीख की यह विशाल जनसभा तय करेगा। तो आप लोगों का आना ही मजबूती मेरे लिए होगा और गोरिया कोठी का भविष्य तय करेगा, इसलिए से आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है कि 15 तारीख को थोड़ा भी नहीं चुकें, सारे दिन तो काम होते ही हैं, एक दिन गोरिया कोठी क्षेत्र के विकास के संदर्भ में और गोरिया कोठी के राजनीतिक भविष्य के संबंध में उसके लिए समय निकालें और वहां आने का कृपा करें, अपना बहुमूल्य समय दें। जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो ये हमारे साथ है गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के मैदान में है मनोज कुमार सिंह, और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, और इन्होंने साफ तौर पर ये साफ कर दिया कि अगर बीजेपी टिकट देती है
तो भी ठीक है, नहीं देती है तो भी ठीक है, क्योंकि जनता मुझे टिकट दे चुकी है। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार गोरियाकोडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बनता है और सरकार किसकी बनती है।